तो फ्रेंड्स पीछे हो गया गमला तैयार, एम्प्लॉयज़ भी आ चुके हैं अंदर। इंटरव्यू के लिए चलता हूँ, कुछ बातचीत कर लेता हूँ। ये मटेरियल लोड हो रहा है, कहीं का जाना है। और ये शेरू एज यूजुअल साथ में रहेंगे। Good boy. Good morning friend. Welcome to my channel. Welcome to my vlog. Start करते हैं आज का दिन। आज दिन है थर्सडे यार, और काफ़ी लेट हो गया उठने में, 8:15 बज गया है। धूप आ गई है बाहर अच्छी खासी। तो फ्रेंड्स ये हो गया, मैं नहा धो के रेडी, और बेबी चिप्स बन के तैयार हो रहा है ऊपर, देख के आते हैं फिर चलते हैं कुछ काम के लिए। तो गैस सही था मेरा ये बन गया है चिप्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स फार्म हाउस पे, वहाँ पे है कुछ काम। तो फ्रेंड्स चलते हैं फार्म हाउस पे, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ आने वाले हैं आजमगढ़ से, तो उनका इंटरव्यू है। और कुछ प्लांट्स वहाँ पे थोड़े से जो बोनसाई हैं उन कल देखा, उनकी हालत थोड़ी सही नहीं है, तो उनकी प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग मतलब आपको बता दूँ, उनके रूट्स कट करके फिर उनको सही से करना है, मतलब फिर से रीस्टेब्लिश करना है नई मिट्टी डाल के। तो चलते हैं गाइस, और कुछ और भी काम है, पेपर वर्क वगैरह है वो भी ऑफिस में निपटाएंगे, और ये सब काम भी करना है, तो चलते हैं। आज दिन भर और कोई काम नहीं है, सिटी में भी नहीं जाना है, तो फार्म हाउस पे ही है, मतलब फैक्ट्री पे ही है पूरा टाइम आज दिन है। तो चलते हैं गाइस। गुड बॉय शेरू, नो दूर रहो, दूर से बातचीत। चलो पेपर जो कि पापा हो, कहाँ तुम बैठो, यहाँ चलो, यहाँ बैठ जाओ। गुड बॉय बैठो वहीं बैठो। गुड बॉय शेरू। पतली कमरी है शेरू की। लो शेरू आ जाओ, लो पानी पी लो। निकाल दीजिए इसको पूरा, वो तोड़िए उसका किनारे से। हाँ ठीक, जड़ बचा के, पुराना पेड़ हो गया वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बस मिट्टी यही निकालेंगे, गंदा होने लगा ना। यहाँ पर निकालिए, भर लीजिए उसी में। हाँ भर लीजिए, ये भी सुनना पड़ेगा। हाँ उसी में निकाल लीजिए। ये निकला है गमले के नीचे से ना पूरा, बाप इतना तगड़ा जड़। तुम क्या कर रहे हो शेरू? ओए अरे 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 अरे, अरे।
हाँ नीचे से पूरा एकदम क्लीन कर दीजिए। हाँ अरे पीपल बरगद है। ये मेन जब बस ठीक है दूसरा ले आइए। ये बरगद है उसमें नई पत्तियां निकल रही हैं लेकिन फिर भी साफ करना जरूरी है। नीचे देख रहे हैं कैसा हो गया वो। चाहिए मुझे लग रहा है खुरपी चाहिए मुझे लग रहा है। तो फ्रेंड्स एक गमले का तो ये हो गया है ये प्रूनिंग और ये दूसरे गमले का भी प्रूनिंग करना पड़ेगा क्योंकि नीचे से ये हो रहे हैं ख़राब। तो उसकी सफाई करके प्रूनिंग करके फिर से नई मिट्टी डाल के लग जाएगा। ये तो आराम से निकल गया गाइस ये वाला नहीं निकल रहा। ये मिट्टी मुझे इसमें से निकाल के इसमें डालना पड़ेगा तो ही निकलेगा क्योंकि बहुत टाइट है पूरा गमला उठ जा रहा है। देखिए ये नहीं निकल रहा। किनारे से मिट्टी करनी पड़ेगी खाली। मेन जड़ ना कटे उसका मेन जड़ ना कटे बाकी वो झाड़ लीजिए तो फिर झाड़ के लिए उधर कटिंग कर दिया जाए इसका। तो फ्रेंड्स ये हो गई है हमारी दो पेड़ की प्रूनिंग एक ये बैठो उठना मत। दो पेड़ की प्रूनिंग हो गई है गाइस एक पेड़ की प्रूनिंग और करते हैं या ये दोनों छोटे छोटे निपटा लेते हैं बाद में और कल करते हैं आज पीपल कर लेते हैं पूरा। एक इसको ले लेते हैं दूसरा इसको ले लेते हैं। चलो इसमें चलते हैं इसमें मिट्टी गमले में नई मिट्टी तैयार करके फिर लगाते हैं। शेरू चलो चलो इसमें मिट्टी डला दिया जाए गमले में। चलो चारों आ जाएगा एक बार में कि दो बार में। गुड बॉय। ये शेरू पड़ जाएगा मिट्टी इसमें। गुड बॉय गुड बॉय शेरू। दूर बैठो शेरू कहाँ बैठ गए पास में इधर कहाँ बैठ गए। ना नो ना क्या हाथ नहीं मिलाना है नहीं आराम से बैठो। आओ यहाँ बैठो इधर इधर बैठो चलो यहाँ बैठ जाओ गुड बॉय बैठो गुड बॉय शेरू। मिट्टी वैसे ही बची रहने दीजिएगा नहीं तो इसी में खपा दीजिएगा चारों में। पूरा एक बार पानी भरा जाएगा ना मिट्टी गिर रहा है। तो फ्रेंड्स पीछे हो गया गमला तैयार एम्प्लॉयज़ भी आ चुके हैं अंदर इंटरव्यू के लिए चलता हूँ कुछ बातचीत कर लेता हूँ। ये मटेरियल लोड हो रहा है कहीं का जाना है। और ये शेरू एज यूजुअल साथ में रहेंगे। शेरू
चलो। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 4:30 और फ्री हो गया मैं फार्म हाउस से। अब निकल रहा हूँ घर के साइड में और हो गया आज का लगभग लगभग काम। तो चलते हैं गाइस घर पे, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है। आज स्टाफ वगैरह थे तो उनसे उनका इंटरव्यू वगैरह भी हुआ, कुछ मीटिंग हुआ, उनको प्लांट विज़िट करवाया। और आजमगढ़ मेन आजमगढ़ में काम करने के लिए मैं भी शायद वहीं के लिए ही है, मतलब मीटिंग हुई आज स्टाफ लोगों से। तो और आज 4 प्लांट अभी सही किए हैं, मतलब जो बुनजाई जिसको बोलते हैं, तो पीपल और बरगद है, तो पीपल को के 4 मतलब उनकी प्रूनिंग की है, मतलब पुराने जड़ें उनको काट के मतलब हल्का हल्का प्रूनिंग किया है, फिर उसको फिर से उसमें नई मिट्टी चेंज हुआ है। तो इतना ही काम हुआ है आज, बाकी आगे घर चलते हैं देखते हैं क्या सीन आगे का। तो बोलिए परफ्यूम मंगवाया, कितने ML का है ये? 20 ML का सर। MRP तो 849 लिखा है। ये वो लेके आया था पता है, ब्लू डार्ट वाला। अच्छा CEO मैन परफ्यूम डोमिनस मैन इम्पैक्ट मैन, ये वाला सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ये वाला अच्छा है चारों में, इसकी स्मेल सही है। तब कब आए तुम? अभी आए जस्ट। चाय पिए? अभी तो आए जस्ट पानी पिए। कह रहे हो चलना, वो नंबर लग गया किसका गाड़ी में? 9595 नहीं 595 नहीं। कौन सी वैरायटी आई है? वीट की वैरायटी आई है। वीट की वैरायटी आई है मतलब HD3385। तो क्या है इसमें डिफरेंस? इसको आप समर्स में जैसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गर्मी में, टेम्परेचर जो बढ़ जाता है इस टाइम मार्च लास्ट में फेब लास्ट में, जैसे गेहूं को जरूरत होती है ठंडी की। अच्छा उसको होने के लिए अच्छे से मतलब गर्मी में भी हो जाएगा ये? हीट टॉलरेट कर सकती है, जैसे छत्तीसगढ़ जैसी जगह में भी केवल जहाँ पे 2 बार पैडी होता है वहाँ 1 बार वीट लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो गेहूं हो नहीं पा रहा है। अच्छा हाँ इसलिए। तो फ्रेंड्स ये है ड्राइंग जो कि बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ज़रा सा भी सिमिलर नहीं बन रहा, बिल्कुल बकवास। कोई नहीं ऐसे ही इसमें थोड़ा सा अपना डिज़ाइन जोड़ के फिर कर लेता हूँ मैं इसमें बकवास। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है रात का 10 और इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें पेज को, और कमेंट करके कुछ सजेशन दे सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस कल एक नए व्लॉग में एक नए दिन में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैव अ गुड डे, बाय।